हेलो दगड़ियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पिला गया। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ एक्चुअली से, और अभी बज रखे हैं दोस्तों 9:30 हो गया है, 9:14 हो रखे हैं दोस्तों। अभी तो फ्रेश हो गए हैं, मतलब नहाया नहीं है, ठंडा बहुत हो रहा है। तो कल रात से बारिश लगी हुई है और काव्या को मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इसको पेट में भी दर्द हो रही थी, तो मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा है। प्याज काटा था दोस्तों, वो मैंने आँख में चला गया। तो अभी मैं बना रही हूँ चाउमीन दोस्तों। ये है मैं चाउमीन, तो मैंने आज चाउमीन, कल भी चाउमीन बनाए थे तो काव्या कहती चाउमीन ही बनाओ, तो मैं चाउमीन ही बना रही हूँ। ये मैंने उबाल के रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिर्च काटी है, गोभी है नहीं, तो यहाँ पे छोटे छोटे प्याज काट रखे हैं। तो घर के घर का प्याज है दोस्तों ये, और ये रख दिया है मैंने, चढ़ा दिया है। तो दोस्तों चाउमीन मैंने बना दी है, तो ये पूजा के लिए पहुँचा के आती हूँ। ये काबू के लिए है, और सॉस हमारा ख़त्म हो गया, काट कूट के बना रही हूँ मैं, ख़त्म हो गया सॉस, दो पैकेट जो थे दोनों ख़त्म हो गए। तो ये मैं खाऊँगी, ये काबू के लिए। कैसे हो रहे हैं गाइस, कैसे हो रहे हैं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करना। आज उतने अच्छे बने नहीं मेरे से, परसों अच्छे बने थे, तो पहुँचा के आती हूँ पूजा के लिए और फिर हम खाएंगे। भूख लग गई, चाउमीन हमने खा लिए थे और उसके बाद मशीन में बैठ गई हूँ, सूट बना रही हूँ दीदी के लिए। तो गला काट दिया है पीछे का, तो अभी जल्दी जल्दी इसकी सूट बनाती हूँ। उसके बाद इसका पैंट कल बनाया है तो सूट बना रही हूँ। कल भी दिन भर लगी थी, आज भी दिन भर लगना है दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम होता है। आज भी दिन भर लगना है, कैसा होता है, कमर पीड़ हो जाए यार दगड़ियों। आज मेरा सूटों का फिनिश है, फिर दो कुर्तियाँ कल आज आ रखी हैं, दो कुर्तियाँ वो फिट करनी है, और फिर एक सूट कल को बनानी है। बस कल का दिन भी, आज और कल दो दिन और मतलब मेरे बिजी चलने वाला है मेरा, तो लग जा डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। सूट बना दी है ये दीदी की, ये देखो। तो अब नेक्स्ट सूट बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको, और साथ में काव्या की पढ़ाई भी हो रही है यहाँ, तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको थोड़ी देर के बाद। फ्रेश मेरी पढ़ाई, मम्मी ने अभी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन करती हूँ फटाफट से, इतना ही करती हूँ, अब खेलती हूँ मैं थोड़ी। तो दोस्तों अभी मशीन से उठ चुकी हूँ, आप लोगों को ना मौसम दिखाती हूँ अच्छी तरह। काव्या ने जैसा भी दिखाया है, पता नहीं कैसा दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा बारिश, कल से बारिश लगी हुई है, कल शाम से मतलब रात से बारिश हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा बारिश, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। काबू को मैंने स्कूल नहीं पहुँचाया, लेकिन आज काबू शैतानी कम कर रही है, पढ़ाई ज़्यादा कर रही है। तो एक सूट बना रखी है और बाजू बनाए, अभी बाजू में जो है पैंट का लेस लगाया, और अब नेक्स्ट उसका पैंट बनाना है, और फिर एक सूट, दो सूट और हैं, तो शाम तक ये मैंने आज कंप्लीट कर देने हैं दोस्तों। फिर कल को दो कुर्तियाँ और एक सूट बच जाएगी। तो बाहर चलती हूँ, और अभी ना आंचल दूध वाला भी आया है नीचे, तो आपको ना छत से दिखाती हूँ। और आज सुबह सुबह हमारे साथ प्रैंक हो गया है, जितने भी हमने परसों आम काटे थे ना दोस्तों, वो मैंने छत में डाले थे, कल पूजा के भी मैंने ही डाले थे। तो फिर बारिश आ रही थी तो मैंने ना ऊपर सीढ़ी में रख दिए, और मैंने बोला अपने आप रहता है वहाँ, हवा लगेगी करके, और सो गए। और रात को बारिश आई, और सुबह मैं देखने, वो भी 9 बजे देखने गई, वहाँ पता नहीं टीनों से पानी आया था, टीनों में कहीं कहीं पर छेद थे दोस्तों, छेद होने के कारण ना सारा पानी जो है ना हमारे ना आम के उसमें चला गया, आमों में चला गया, और हमारे आम भीग चुके हैं। तो पूजा के वहाँ अंदर रखे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा हो रहा है मेरा कूड़ा कचरा मशीन की वजह से, तो वहाँ पूजा के कमरे में सुखा रखे हैं। पूजा चाबी भी देके गई थी, और मैंने वहाँ पंखा लगाया, पंखे से सुखा रखे हैं वो। तो अभी और थोड़ी देर पंखा ऑन करके आती हूँ, पूजा के कमरे में जाती हूँ, और पहले आपको मौसम भी दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा बारिश आ रखी है वो दिखाती हूँ आपको। और ये फितोले गालू नहीं, इससे दगड़े हो, क्योंकि मैं यहाँ सिलाई कर रही हूँ ना, ये गले में चाहिए चाहिए, तो दिखाती हूँ आपको। बहुत
बहुत ज़्यादा बारिश आई है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ रख दिए थे हमने आम ये, और यहाँ से देखो ये टपक रहा है, ये छेद है इसमें छेद। तो यहाँ सारे आम भीग गए थे, ये देखो ये ऐसा हो गया है यहाँ पे। मैंने सोचा यहाँ से भी हवा लगेगी और यहाँ से भी, और ये देखो बारिश। कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ से दिखाऊँगी, ये देखो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो अगर ये 12:30 हो चुका है और मशीन भी ना खराब हो रही है बार बार मेरी, तो टाइम लग जा रहा है। तो आधा पेंट कंप्लीट हो रखा है, बस 10 मिनट और लगेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। आज सिलाई की बातें कर रही हूँ मैं दिन भर, क्योंकि कल भी सिलाई में थी, आज भी सिलाई, कल को भी सिलाई ही करनी है मुझे। 3 दिन तो परमानेंट है ही है। तो वो भात बन गया है मेरा, और ये देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और इसमें डाला मैंने कल अचार, ये देखो घाम ढूंढ मैं रह रही हूँ, कट्ठाड़ है ना उमरू घाम, ऐसा ही है दोस्तों ऐसा ही है। बल गया आम, आम सब खराब हो गए, क्या करूँ। तो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी भटका साग। भात खा लिया है हम दोनों ने, और भात दाल नहीं, भटका साग और भात बनाया था तो खा लिया है हमने। अभी हम यहाँ पे सो रखे हैं दोनों माँ बेटी, तो फिर लग जाती हूँ मशीन में, थोड़ी देर हो गया आराम, ठीक है। और अभी बारिश ना हल्का मतलब कम हो गई है अभी, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब क्या ही दिखाऊँ, अंदर ही अंदर रह रहे आजकल, समझ में ही नहीं आ रहा क्या ही दिखाऊँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी मैं आ रही हूँ दुकान से, ये ना सिलाई का सामान है और काव्या के लिए चीजी, काव्या को मैं कमरे में सुला के आई हूँ। तो शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, अभी तक मैं सिलाई में थी, अम्मा यहाँ पे बैठी हुई है और नीचे मच्छर लग रहे हैं बल इसीलिए, और काबू को भी लेके आई हूँ मैं यहाँ पे साथ में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 10:30 और खाना हमारा हो गया है, और काबू भी यहाँ पे सो गई है, और यहाँ पे पूजा का वर्क हो रहा है। तो आज हमको बहुत ज़्यादा डर लगी, और चोर आए हैं बल, और एक वीडियो फैली हुई है दोस्तों, पता नहीं क्या ये वीडियो सच है, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि चोर आ रखे हैं और काट के किडनी विडनी ले जा रहे हैं बोल रहे हैं। इतना ज़्यादा डर लगा ना, इतना ज़्यादा डर लग रहा है हमको, क्या ही कर रहे हैं यार दोस्तों। ये आदमी ही हैवान होते जा रहे हैं, देख रहे हो, आदमी आदमी को काट कूट के ऐसे जिंदा काट दे रहे हैं ना, क्या ही बोलूँ, छोटे बच्चों को ऐसे काट रखा है। बहुत ही गंदा लगा मुझे तो, इतनी डर लग गई, बेचारे उन लोगों के हाथ आ गए वो बेचारे, ऐसे बिल्कुल अपने बच्चों को ना छोड़े यार दोस्तों। ऐसा ऐसा सुनने को आ रहा है कि चोर आ रखे हैं करके, तो अपने बच्चों को ना छोड़े जो जो ये वीडियो देख रहे हो। क्या पता जब ये सच है, कई लोग बोल रहे हैं सच है, कई लोग बोल रहे हैं फेक है, लेकिन ये सच ही है दोस्तों। वो वीडियो ऐसी है ना, ऐसी दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उस वीडियो को देख के, बहुत ही ज़्यादा, जिंदा आदमी को काट दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है हमें तो, बहुत ही ज़्यादा डर लग रही है। चोरी हो रही है यहाँ भी पियाना साइड को बहुत ज़्यादा, और चोर भी आ ही रहे हैं, और अब ये वाले भी आ रहे हैं, ये किडनी चोर। तो यार सतर्क रहें, और क्या ही बोलें, इतना ही बोल रही हूँ। मेरा तो बहुत मतलब ऐसा हो रखा है, क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है, ऐसा हो रहा है करके। तो आप लोग भी सतर्क रहें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अकेले कहीं भी ना जाएं, तो अंधेरा होने के बाद कहीं भी मत जाएं, इतना ही बोलूँगी, और क्या बोलूँ यार दोस्तों। तो ऐसे हो रहे हैं लोग भी, आप देख रहे हो, हैवान हो रहे हैं, तो कबाड़ी अबाड़ी कुछ ही रूप में आ जा रहे हैं बलो इस दिन में, देख रहे हैं अभी कौन अकेला है कौन क्या है करके, सतर्क रहिए। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग भी
एंड कर देती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मैं तारा मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय दोस्तों। जय माता दी। जय उत्तराखंड। जय देवभूमि। बाय।